शनिवार और मंगलवार का दिन हनुमान जी की आराधना के लिए बड़ा ही शुभ होता है। और हनुमान जी एक ऐसे देवता है जिनकी पूजा में सावधानी जरूरी होती है। देखिए, मंगलवार को या शनिवार को अगर बड़ के पेड़ के एक पत्ते को तोड़ करके गंगा जल से धो करके और हनुमान जी को अर्पित किया जाता है तो हमारे घर में धन की आवक बढ़ती है और घर की बाधाएं बुरी नज़र दूर हो जाती है। इसके अलावा आर्थिक संकट से भी हमें छुटकारा मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए वैसे तो कई मंत्र है और मंत्रों का जाप करना बहुत ही लाभकारी होता है और कल्याणकारी भी होता है। इसलिए हम आज आपको हनुमान जी के जो मंत्र बताना जा रहे हैं जिसका जप करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि आएगी और हर प्रकार की बाधाएं आपकी दूर हो जाएगी। हनुमान जी के मंत्र का जप करने से पहले हनुमान जी का ध्यान करना आवश्यक है। तो हनुमान जी का ध्यान इस प्रकार किया जाता है और इस बात का ध्यान रहे कि चमेली के तेल का दीपक अवश्य लगाएं और ध्यान बोले, मनोजवम मां ऋतुतुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणम प्रबुद्धि। इस प्रकार से हनुमान जी महाराज का ध्यान करके और उनसे प्रार्थना करें और अपनी जो मनोकामना है वो उनको बताएं। उसके पश्चात आप इस मंत्र का जप करें और एक माला लाल चंदन की या तुलसी की माला से जप किया जा सकता है या रुद्राक्ष की माला से भी जप किया जा सकता है, जिससे कि मंत्र जागृत हो जाता है। क्योंकि साबर मंत्र को एक बार जागृत करना पड़ता है, तत्पश्चात आवश्यक कार्य से निकलने से पूर्व या किसी जरूरी काम में जाने से पहले हर प्रकार का कार्य तो 7 बार उच्चारण 5 बार उच्चारण अवश्य करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऐं भ्रीम हनुमते रुद्रात्मकाय नमः। मंत्र दोबारा सुने, ओम ऐं भ्रीम हनुमते रुद्रात्मकाय नमः। यह हनुमान जी का साबर मंत्र है और हनुमान जी के चित्र के सामने या मूर्ति के सामने बैठ करके यह आपको कार्य करना है। और सिंदूर अर्पित हनुमान जी को कर सकते हैं क्योंकि सिंदूर हनुमान जी को प्रिय है, तो सिंदूर हनुमान जी के चरणों में लगा करके या मूर्ति की तिलक करके सिंदूर का, तत्पश्चात चमेली के तेल का दीपक लगा करके अगर आप इस मंत्र की एक माला जप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी, आपकी बाधाएं दूर होगी और आपकी हर प्रकार की मनोकामना पूर्ण होगी और शत्रु बाधा भी इसे समाप्त हो जाती है। अगर नाना प्रकार के शत्रु आपको परेशान करते हैं तो यह मंत्र बड़ा ही चमत्कारी और प्रभावशाली है और तत्काल अपना प्रभाव दिखा देता है। इसलिए हनुमान जी में अटूट श्रद्धा रख करके इस मंत्र का अगर आप जप करेंगे अवश्य आपको सफलता मिलेगी और रात्रिकाल में सोने से पूर्व और सुबह प्रातः जगने के बाद 7 बार मंत्र का उच्चारण करें और 7 बार मंत्र बोल कर ही अपना कार्य आरंभ करें और घर से निकलने से पूर्व किसी जरूरी कार्य, जरूरी मीटिंग, इंटरव्यू आदि देने के लिए जाने से पूर्व भी 7 बार इस मंत्र का उच्चारण करके अगर आप निकलेंगे अवश्य आपको सफलता प्राप्त होगी, इसमें संदेह नहीं है। जय बजरंगबली।